छतरपुर में बुधवार को कोतवाली पर धर्म विशेष के लोगों द्वारा हमला और पथराव करने के मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने के साथ 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने का प्रयास सहित कई विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त तेवर दिखाए हैं। बुधवार का दिन छतरपुर में काफी हंगामे भरा रहा। जहां दिन में भारत बंद के दौरान छतरपुर में काफी हंगामा हुआ, वहीं शाम होते होते महाराष्ट्र में धार्मिक गुरु पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर छतरपुर में धर्म विशेष काफी आक्रोशित नजर आया। एफआईआर की मांग को लेकर देखते ही देखते धर्म विशेष के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर लिया। जब भीड़ ने थाने का घेराव किया तो वहां चंद पुलिसकर्मी मौजूद थे। भीड़ द्वारा कोतवाली का घेराव करने पर टीआई अरविंद कुजु ने भीड़ को जब समझाने का प्रयास किया तो अचानक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें टीआई अरविंद कुजु के सिर और हाथ में चोट लगी है, जबकि सिपाही भूपेंद्र कुमार प्रजापति के सिर और एसएएफ के जवान राजेंद्र चाडर के भी सिर में चोट लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक टीआई के हाथ में जख्म किसी धारदार हथियार से किए गए हमले के हैं। भीड़ द्वारा पथराव के बाद पुलिस ने बल प्रयोग और टीयर गैस का उपयोग भी भीड़ को कोतवाली से खदेड़ने के लिए किया। कोतवाली पर पथराव और पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद कलेक्टर एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी कोतवाली पहुंचे। इसके बाद देर शाम पुलिस प्रशासन ने इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च नए मोहल्ला सहित बाहुल्य क्षेत्र में हुआ। वहीं घटना के बाद कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिना किसी अनुमति के जुलूस निकाला, इसको लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं कोतवाली पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें अब तक पुलिस के 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि शहर के माहौल को खराब करने के लिए एक साजिश रची गई थी और घटना से पहले कुछ भड़काऊ पर्चे भी इलाके में बांटे गए थे। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पर अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है।